Hello, recording. So this is organic chemistry. तो हम लोग के बुक में एक चैप्टर दिया है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी का ये सब हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं. पहला पार्ट आइसोमेरिज्म था, सॉरी आईयूपीएसी नेमिंग था. सेकेंड पार्ट हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा था. सब उसी चैप्टर का एक पार्ट दिया है. सोचो उन्होंने छोटा सा कह करके कर दिया, बट मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लिया है ना. तो प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी डन आईयूपीएसी नेमिंग. सेकेंड वी हैव डन आइसो मेरिज्म. ओके, नेक्स्ट वन इज आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म फिनिश करने के बाद लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसका जो भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज लिखो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हेलो सर. हाँ यस सर, इसका आपने टेक्स्ट बुक नेम क्या बताया था? हाँ, टेक्स्ट बुक में इसका नाम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. ओके सर, चैप्टर में दिया हुआ है. ओके सर. तो हेडिंग लिखा मैंने ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से. हाँ, क्या बोल रहे हैं? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के बारे. हाँ, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो तुमको आइदर ब्रेकिंग लिखेगा और क्लीवेज बोलेगा, है ना. ब्रेकिंग और क्लीवेज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बोल रहे हैं. ठीक. दिस इज नथिंग बट, अगर मैं देखना चाहूं तो दिस इज 14.6.1 इन स्टेट बोर्ड ऑर्गेनिक. उसमें सब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा सीबीएसई बोर्ड में. उसमें भी ऐसा ही है, आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म, देन वहां के बाद से उसके आगे का स्टार्ट लिखो. इनऑर्गेनिक अलग से निकला, इन अलग है ऑर्गेनिक अलग है, अदरवाइज मीनिंग ही चेंज. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री covalent bonds between atoms are breaking in two manner. Yeah, breaking. मतलब टू टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग कहने हैं, क्या है ऐसा करते हैं. ब्रेकिंग इन टू मैनर्स. तो मैनर नंबर वन, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग. डायरेक्ट लिख सकता था ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स. तो दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज और ब्रेकिंग. Homolytic bond cleavage
बॉन्ड आगे लगा लूं तो ज्यादा अच्छा है। हमारे बुक में होमोलिटिक क्लीवेज दिया है, सिर्फ ने बोल दिया होमोलिटिक क्लीवेज और बॉन्ड ब्रेकिंग। सेकेंड वन इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और ब्रेकिंग। जितनी देर में हम लोगों ने सिर्फ आईयूपीएसी किया है ना, उतनी देर में दूसरी जगह पे चैप्टर फिनिश हो गया है बेटा। ये पूरा चैप्टर जिसमें बहुत सारी चीजें थी, हेडिंग नंबर वन होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, फ्यूजन या ब्रेकिंग, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या क्लीवेज, जो भी लिख लो। चलो आ जाओ, अब कोई कुछ लिखेगा नहीं, nobody will write anything now. Suppose this is any element, ऐसा bond homolytic में any bond between A and B, दोनों लोग उतने ही strong थे, मतलब अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो कोई ये नहीं बोल सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसा टाइप। ऐसे केस में अगर लड़ाई होगी, सपोज राउंड टेबल दोनों लोगों में बात बनी और कैसे, ये देखो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, अगर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन में ए और बी में बड़े ही आराम से राउंडेड टेबल बैठ करके बात हुआ। फुल एरो नहीं लिख रहा हूं, याद रखना, देख लो हाफ एरो लगा रहा हूं, मतलब दोनों में आपस में बात बनी और बोले तू अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाओ और मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाओ, ठीक। उन्होंने बोला तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाओ और मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाओ। सपोज ए से अक्षय कुमार, बी से अजय देवगन, दोनों लोग वैसे ही कराटे वगैरह जानते हैं, दोनों लोगों के बीच में कोई बात थी, दोनों लोग आपस में बैठे, राउंड टेबल बात हुई, क्योंकि दोनों लोगों को पता है सब स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कुछ नहीं किया, भाई तुम अपना लेकर के चल मैं अपना लेकर के चलता हूं, ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन, ओके। अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, तो क्या है, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड देयर इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देयर इज symmetrical distribution of the electrons between two atoms when bonds are broken, when bonds are broken, ठीक। अब ये bond breaking के बाद, yes बोल सकते हैं वेदांत, बिल्कुल। तो अगर ऐसा अगर आए तो मैं इन सब को बोला करता हूं free radical, ध्यान से देखो फ्री रेडिकल क्या है, ये कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है, दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ओके। हुआ क्या था, जो इलेक्ट्रॉन ए का पार्टिसिपेट किया था बॉन्डिंग में वो अपना लेकर के चला आया, कहने का मतलब है कि स्टिल सपोज देयर आर फाइव इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, आउट ऑफ दैट फाइव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से फाइव था, थ्री था, सिक्स था, सेवन था, वट एवर इट इज, तो आउट ऑफ सपोज दीज फाइव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया था, अगर इस बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट किया था
तो भाई जो चार इलेक्ट्रॉन थे और पांचवा इलेक्ट्रॉन था, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग, उसका एनर्जी वॉज हायर, दैट्स व्हाई इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग, है ना। तो अभी भी ये इलेक्ट्रॉन वही है, हो सकता है ए के पास स्टिल देयर आर 4, 5, 2, 3, 1 वट एवर इट, अभी और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट इस वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा था जो जाकर के उसने बॉन्ड बनाया था, ओवरलैपिंग किया था, हाइब्रिडाइजेशन किया था, कुछ भी समझ लो, दैट्स व्हाई दी सपोज 4-5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें किसी एक की एनर्जी हायर हुई थी और जो जाकर के उसने बॉन्ड बना लिया था, जो बॉन्ड बनाया था वही इलेक्ट्रॉन है। नाउ दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ स्पेसिफिकली कॉल्ड एज फ्री रेडिकल, दैट्स व्हाई फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, देयर इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, इन अ बॉन्ड देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, नाउ ए taking its one electron, B is taking its one electron, now they are happily detached with each other, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, चाह करके भी कुछ नहीं किए, ठीक? Is there any problem? Please. Till now, is there any problem? No, sir. Very good. No, sir. हाँ, very good. तो अब सभी लोग पहले डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखो प्लीज। होमोल हेडिंग लिखा था क्या, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन? यस सर। यस, वेरी गुड। यस, देन प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन। लिखो व्हेन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सर किसकी डेफिनेशन है? ये होमोलिटिक का है। व्हेन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, व्हेन symmetrical distribution of electrons are taking place, when 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 bond is broken, ठीक है ना, then it is called as when a symmetrical distribution of electron is taking place during bond breaking, yeah, when bond is broken, then it is called as homolytic bond fission. Then it is called as homolytic bond fission. Then it is called as homolytic bond fission. Okay. Then it is called as homolytic bond fission. Then it is called as
होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, मतलब होमोलिटिक मतलब सिमेट्रिकल बोला है, उसके नीचे लिख लो सर। यस सर, ये फिजन है या फ्यूजन है? ये डेफिनेशन है ना ये? नहीं नहीं, वो लास्ट का वर्ड फिजन है या फ्यूजन है? फ्यूजन नहीं, फिजन, फिजन, एफ आई एस एस ओ एन। ओके सर। फिजन, फिजन का मतलब ही क्या होता है? ब्रेकिंग ना। लिखो उसके नीचे लिख लो, उस लाइन को छोड़ दो, या पहले ये लिख लो, पहले ये वाला लिख लो प्लीज। ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ए ओ बी का, प्लीज राइट डाउन एग्जाम्पल। नोट कर लिया? नोटेड एवरीवन? सर दो मिनट। यस सर। अब मैं दो मिनट देख रहा हूं बेटा। चलो अच्छा आ जाओ। हो गया? यस। सो प्लीज उसके नीचे लिखो स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट। लिखो होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, homolytic cleavage is represented by half arrow, homolytic cleavage is represented by half arrow, homolytic cleavage is represented by half arrow. ठीक है ना? लिखो इन विच टू इलेक्ट्रॉन्स फिश एरो का मतलब क्या हो गया? जैसे फिशिंग के लिए हम लोग करते हैं ना, अगर पता नहीं जानते हो या नहीं जानते हो, फिशिंग के लिए ऐसा यूज करते हैं ना, ये रहता है ऐसा, इसमें कुछ तो ऐसे इधर थोड़ा सा पीस लगा दिया, फिर ये रहता है तो फिश को पकड़ने के लिए, तो वैसा टाइप है, इसलिए फिश एरो बोल रहा होगा, है ना? हाँ चलो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई हाफ एरो, उसके बाद लिखो लिखो टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्ड bond two electrons present in the bond
are symmetrically are symmetrically goes to सिमेट्रिकली के बाद क्या है सिमेट्रिकली गोज टू बोथ एटम्स हो गया उसके नीचे लिखो और ये दिस इज इंपॉर्टेंट वन इंपॉर्टेंट करके लिखो ऑड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा नीचे एक बॉन्ड में दो ही होता है ना एक बॉन्ड में तो दो ही होगा ना ऑड कहां से होगा होता पूरी केमिस्ट्री फेल कर दी तूने नो सर नॉट फॉर वन बॉन्ड इन जनरल आई एम आस्किंग हाँ हाँ जनरल में ही कहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी बॉन्डिंग में सर नो हाँ बोल सर नो ऑड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में तो दो ही रहते हैं ना इसलिए एक बॉन्ड इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर दैट वाज द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ऐसा जो दिखाया था तो ये इलेक्ट्रॉन ही तो ओवरलैप करता था एक एक ही रहेंगे ना लिखो नेक्स्ट लिखो लिखो फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर कोऑर्डिनेट में भी क्या होता है दो ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर अरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5-6 से क्या लेना देना है मुझे बॉन्ड का देखना है ना भाई तुम लोग मैंने क्या बोला आउटर मोस्ट शेल में 2, 3, 4, 5, 6 वट एवर बट जब वो बॉन्ड बना रहा है तो इन अ बॉन्ड देयर आर टू इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की आई एम सेइंग आई एम नॉट सेइंग की व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आई एम सेइंग की टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ बॉन्ड Then there is, हमें बोला doesn't matter what is the number of electron present in the outermost shell of the atom. I'm talking about breaking of the bond. I'm not talking about the electrons present in the outermost shell. पर मतलब इसमें हर बार दो ही होंगे। अरे यार obviously होंगे ना एक bond में तो दो ही electron होते हैं। मतलब अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड हो बट एक बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन हुआ ना ये देख ओके सर आई एम सेइंग इन अ बॉन्ड देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इफ देयर आर ट्रिपल बॉन्ड देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन दो इसका बट इन अ बॉन्ड देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स irrespective of number of electrons present in the outermost shell usse kuch lena dena nahi hai I'm talking about bond and in a bond there are 2 electrons likho free radicals are highly reactive in nature free radicals are highly reactive in nature Free radicals are highly reactive in nature. ठीक है ना? Free radicals are highly reactive in nature. Next point लिखो.
Now the next point, please. देखो फ्री रेडिकल्स आर फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड or favored by और के बाद क्या है और फेवर्ड बाय और फेवर्ड बाय है ना फेवरेबल बोल रहा है उसके लिए और फेवर्ड बाय presence of ultraviolet light or at high temperature मैं बोल सकता था और high temperature ठीक है चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ये मैं एडवांस वालों को बताता हूं और तुमको भी बता दे रहा हूं लोगों को पता ही नहीं चल पाता ना कि कब होगा हेमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन तो H इज हीट E इज इलेक्ट्रिसिटी L is light, P is peroxide, K presence में reactions होंगे ये वाले heat, electricity, light, peroxide. सर आर का मतलब मैं इसी का वेट कर रहा था कि कोई बोल नहीं रहा है अरे बाबा आर इज रिएक्शन ठीक है ना कुछ लेना देना नहीं है मतलब ये साइड चीज है होली कर देते हैं क्या कोई भी एक हो तो हो जाता है बोलो ते मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो इसमें से कोई भी एक होना चाहिए या हाँ हाँ इनमें से कोई एक भाई कोई भी एक सब okay. कैसे रखेंगे हो गया तो सपोज मैंने एच न्यू व्हाट इज एच न्यू एच सी बाई लेमडा एच सी बाई लेमडा लोगों को नहीं पता बेटा एच सी बाई लेमडा वगैरह का एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने करा करके दिया तो सी एस थ्री प्लस और सी एल माइनस फ्री रेडिकल में ब्रेक हुआ वो भी कैसे दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज
क्योंकि लाइट है, लाइट एच न्यू इज अल्ट्रा वायलेट रेज, वो एनर्जी लिखा है, वो एनर्जी है, तो कहीं कहीं पे यूवी यूवी रेज लिखेगा, बोथ आर करेक्ट, यूवी रेज। अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम कंपटीशन का तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना ही वो लोन पेयर में आया ना ही बॉन्ड पेयर में आया। लोन पेयर कभी भी हाफ नहीं लिखेंगे, हाँ तीन बॉन्ड बना थ्री लिखा, लोन पेयर बोला था पेयर, दिस इज नॉट अ पेयर, दिस इज नॉट अ पेयर, इंपॉर्टेंट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2। ओके, रिटेन एवरीवन, यस नो सर, वन मिनट सर। माइनस फ्री रेडिकल क्या होता है भाई, अभिदा क्या क्या बोलती है, माइनस कहां से आया बता, मैं डॉट दिखा रहा हूं तू माइनस बोल रही है, मेरा पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया, माइनस का मतलब अनायन हो गया, दिस इज नॉट द अनायन सर, यूवी रेज कंपलसरी। हाँ बोलो, यूवी रेज कंपलसरी। अरे यही तो लिखा ना, हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी परऑक्साइड के प्रेजेंस में ही ब्रेक होता है। ओके भाई, वो अबिदा अब तू मेरे हाथ से खाएगी मार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएल माइनस, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल एंड 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यू हैव एडेड। यहां पे मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही मैं कब से समझा रहा था, यहां पे पीछे मैंने बोला दिस इज नॉट ए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस वाज माय वर्ड, दिस इज नॉट ए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच वाज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, दिस इज अगेन बैक टू द एटम। सो निगेटिव चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, is it coming outside, इसीलिए मैं एक एक वर्ड इतना समझा के कर रहा हूं। This is not an extra electron coming from outside. This was the electron of carbon. वो इज्जत के साथ अपने घर लौट करके आ गया है, ठीक, इज्जत के साथ। हाँ नहीं समझ में आए तो ये समझ ले, ये देख, अगर ना समझ में आए तो ये समझ ले कि ये इलेक्ट्रॉन इसका और ये इलेक्ट्रॉन इसका और ये दोनों घर के आमने सामने रहते थे, इसलिए ये समझ ले थोड़ी देर के लिए घर से भाग गए और बाद में इनके मम्मी पापा ने पकड़ा और दोनों लोगों की घर वापसी हो गई इज्जत के साथ। अब तू बता कहां इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, दोनों लोग अपने अपने घर पे आए, ऐसा है क्या तू उसको भी उठा करके लाया, नहीं, अच्छा अब समझ में आया, ओ ये बात है, वैसे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे समझ में आया, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, यस, नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो मेरे पास था ये समझ ले
कि मैं ए हूं और मेरे पास एक मेरा बेटा था, वो भाग गया था किसी के साथ, मुझे नहीं पता किसके साथ भागा था, लेकिन मैं उसको अब दोनों दो लोग थे, दोनों लोगों की जोड़ी बन गई थी, मैंने उसको वापस उठा करके लेके आया। मैंने बता अपने बेटे को लेकर के आया, दूसरे वाले को नहीं लेकर के आया, वाला या वाली को, मैंने सिर्फ अपने बेटे को पकड़ करके लाया, उन्होंने अपने वाला या वाली को लेकर के गए, बस दोनों लोग अपने अपने घर पे हो गए। देर इज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हाँ अनुश्री, यही तो कब से बोल रहा हूँ, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, वही दोनों अलग अलग हो गए हैं। हाँ बोलो और क्या है भाई, इतना डाउट रहता है सर। वो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोन पेयर जीरो, मतलब मुझे पूछना था वो एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर है वो कंसीडर नहीं किया हमने। क्या कंसीडर नहीं किया बता सर? मतलब बॉन्ड पेयर तीन हाइड्रोजन के साथ है पर वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले लिया भाई। कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बनाया था ऐसे, तो ये CH3 रह गया, CL वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया सर, फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं कंसीडर करते। हाँ वो तभी तो हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं हो रहा है ना, थ्री बॉन्ड पेयर ही लिया, दिस इज नॉट कंसीडर्ड इन व्हाट इज BS-EPR थ्योरी। Lone pair is also participating in chemical bonding. This is not a lone pair. This is only single electron. Okay? Sir, समझे। हाँ। और किसी का कोई doubt है भाई? नहीं है, चल आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ ये note कर लिया I think सबने। अब लिख लो टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल देखो तो मुझे पूरा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ना है ऐसा। दूसरा क्या हो सकता था ऐसा, तीसरा क्या हो सकता था ऐसा, फोर्थ वाला क्या हो सकता था, इक्वल स्पेसिंग कर देता हूं तो अच्छा लगेगा बस ये, या पूरा फुल स्ट्रक्चर ड्रॉ। सो दिस इज H अटैच्ड विथ ऐसा, Now CH3, now this is CH3, ऐसा। So this is called as carbon free radical, alkyl free radical. This is nothing but अल्काइल। वाई अल्काइल, एल्केन में से एक एच निकाल लिया बिकम अल्काइल, CH4 में से एक एच नहीं है, CH3 फ्री रेडिकल, C2H5 फ्री रेडिकल, वहां पे जाओ, दिस इज 1, 2, 3 कार्बन का फ्री रेडिकल, 1, 2, 3, 4 कार्बन का रेडिकल, तो दिस इज अल्काइल। अब देखो कोई कुछ फिर से नोट नहीं करेगा। Now, this one is attached with how many carbon? ये वाले पकड़ो जो कोई येलो बना रहा हूं,
दिस फ्री रेडिकल कार्बन इज अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन वन दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी फ्री रेडिकल दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी फ्री रेडिकल दिस इज ऑल्सो एक भी कार्बन नहीं है बट कार्बन जिससे अटैच्ड है एक ही कार्बन है दिस इज कॉल्ड एज अगेन प्राइमरी या मिथाइल फ्री रेडिकल मैंने बोला कोई नोट नहीं करेगा दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ टू कार्बन अविला सुन दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ टू कार्बन दैट्स व्हाई दिस इज टू डिग्री या इसी का नाम मैं बोला करता हूं सेकेंडरी फ्री रेडिकल एनी प्रॉब्लम अच्छा अभी नहीं इधर पे जाओ दिस कार्बन इज अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन थ्री कार्बन दैट्स व्हाई दिस इज टर्शियरी थ्री डिग्री बोला करता हूं इसलिए दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी फ्री रेडिकल लिख लो प्राइमरी फ्री रेडिकल टर्शियरी फ्री रेडिकल सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऐसा तुम पहचानेगा कैसे जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल आहे नाउ टेक कंपाउंड नंबर सेकेंड दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड दिस इज थर्ड दिस इज कंपाउंड नंबर फोर सपोज यू आर टेकिंग कंपाउंड नंबर टू फ्री रेडिकल येलो कार्बन ठीक उसके दहवीं साइड लेफ्ट साइड इट इज अटैच विथ वन कार्बन येलो कार्बन ऑफ सेकेंड अटैच्ड विथ वन कार्बन लेफ्ट डेट्स वाई प्राइमरी डेट्स वाई दिस इज प्राइमरी थर्ड कार्बन थर्ड कंपाउंड में कार्बन इज अटैच्ड विथ अबिदा मैं बोल रहा हूं कि जो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ हाउ मेनी कार्बन वन कार्बन लेफ्ट साइड दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ हाउ कार्बन लेफ्ट एंड अपवर्ड टू फर्स्ट वाला कुछ छोड़ दो हाँ मैं जो बोल रहा हूं तो उसी को लिख करके पूछ रही है सर फर्स्ट में एक ही कार्बन है ना तो वो समझे हाँ तो इसीलिए बोला ना फर्स्ट को छोड़ दो फर्स्ट इज अ स्पेशल केस बाकी सभी में कैसे पहचानूंगा मैं ऐसे पहचानूंगा ओके सर गॉट इट ये कौन सा है फ्री रेडिकल बता प्राइमरी जिस पर फ्री रेडिकल है डेट कार्बन इज अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन यस सर है ना वन तो दैट्स व्हाई प्राइमरी यस और किसी का कोई डाउट फर्स्ट को छोड़ दो मैंने बोला फर्स्ट को छोड़ दो वो किसी से अटैच नहीं है हो गया ना वो प्राइमरी सर पर फर्स्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अरे एक ही कार्बन है आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत है तू अकेला रेस में दौड़ेगी तू ही फर्स्ट आएगी सर एक डाउट था यस सर बोलो और कौन है भाई हां बोलो सर वो 2 डिग्री में दोनों कार्बन कौन से भी साइड में होगे तो चलेगा हां कहीं पर भी हो बस अरे भाई ऊपर नीचे नहीं लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं पर भी लगा दे ठीक
यस और नो? तो हमारे टेक्स्ट बुक में इसका स्टेबिलिटी अभी अरेंज करके लिया है, जो मैं अभी नहीं करा रहा हूं स्टेबिलिटी, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अभी जब हम लोग का थ्योरी हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये फिर से वापस आऊंगा मैं। सो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट वन। विलेम में रिपीटर होते तो एक वर्ड में निकल के करके चला गया होता, एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड, ये ऐसा ब्रेक होता है, ऐसा होता है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, अभी तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए ऐसा है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक में क्या हो रहा है? चलो आ जाओ, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ। सपोज ये मैं था और ये ग्रेट खली थे। खली को जानते हैं? हाँ, खली का नाम सुना है? ग्रेट खली। यस सर। हाँ, अब हमारे और खली के बीच में दो इलेक्ट्रॉन बैठ करके हम लोग आपस में बैठ करके डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं। इसके पहले वाले में क्या हुआ था, दोनों लोग एक ही जैसे थे, अगर लड़ाई हो भी जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई ना तो ए बी से डरता है ना बी ए से डरता है। बट यहाँ पे केस उल्टा है, अगर ये खली है और ये मैं हूं, ए मैं हूं बी खली है, तो इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ो बेटा, खली मुझे ही उठा करके लेकर के जाएगा। इसीलिए अब जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अब यहां सिमेट्रिकल नहीं होगा, जो ज्यादा मजबूत होगा वो लेकर के जाएगा इलेक्ट्रॉन को। अब प्रॉब्लम ये है कि तुझे कैसे पता चलेगा कि कौन मजबूत है कौन सा नहीं है। तो नाउ इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, हु विल ट्राई टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव? बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव सर, नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती लेकर के जाएगा। यस और नो? देखो अब अभिदा यहां पे दे, जो तू बोल रही थी नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज यहां पे आया। एक बॉन्ड ए का इलेक्ट्रॉन बी वाला लेकर के चला गया, तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन कम, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जबकि इसके पहले क्या था, ए अपना इलेक्ट्रॉन बी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गया, इसलिए वहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए था। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन। तो टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ बॉन्ड, नाउ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए is reaching towards B. So there is one electron less in A and there is one electron extra in B. Means B के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक अपना खुद का हो गया, एक A का जबरदस्ती लेकर के आया है, and there is one less electron in A, which is called as now cation. And this is called as anion. Carbon के ऊपर होगा तो especially it is called as carbocation. और carbon के ऊपर negative charge होगा तो especially it is called as carbo anion.
तो कार्बोकेटायन एंड कार्बो अनायन. सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन फर्स्ट. प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन फर्स्ट. देखो व्हेन देयर इज अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ when there is unsymmetrical distribution of electron when there is unsymmetrical distribution of the electron during bond breaking the distribution ke baad kya hai unsymmetrical distribution of electron during bond breaking when there is unsymmetrical distribution of electron during bond breaking then it is called as then it is called as heterolytic bond fission. When there is unsymmetrical distribution of the electron during bond breaking, then it is called as heterolytic bond fission. Then it is called as heterolytic bond fission. लिख लो पहले ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है. प्लीज राइट डाउन. प्लीज राइट डाउन. तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन था, उसी के लिए लड़ाई चल रही थी. पहले वाले का लड़ाई कैसा था भाई? तुम अपना लेकर चले जाओ, मैं अपना लेकर के चला जाऊं. तुम अपना लेकर के चले जाओ, मैं अपना लेकर के चला जाऊं. ठीक. दूसरे वाले में क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, दूसरे वाले में क्या हुआ? जबरदस्ती उठा करके लेकर के उसको भी गए, है ना? काई प्रॉब्लम आए का रे? सर चले कर डाउट था. यस सर. अगर मतलब बी हमने क्लोरीन एटम लिया तो फिर उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो मतलब दो क्यों लेगा? हाँ, दो कहाँ लिया भाई? दो कहाँ लिया बता सर? मतलब जो बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स है वो. इसका मतलब हमारा क्लियर ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है. एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन था, सीएल एच का इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, अभी एट है ना, दो कहाँ लेकर के आया? मैंने अभी क्या बोला था वर्ड? एक अपना खुद का रहा और दूसरे का लेकर के आया. तो सीएल के पास पहले सेवन थे, एक बाहर एच का लेकर के आया. यस सर. दो कहां लेकर के आया? दो कहां लेकर के आया? एक ही तो लेकर के आया सर. हाँ बोलो भाई, और कौन था? हाँ सर, वो अभी बी में दो इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. लोन पेयर में बोलता किसको हूँ? बॉन्ड बनाने के बाद जो बच जाए. यहाँ कौन सा बॉन्ड बनाया भाई? और बोलो कौन है भाई? हाँ बोलते जाओ. ये फ्री रेडिकल्स में लोन पेयर होगा ही नहीं. दिस इज नॉट अ फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल इज क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव. मतलब फिर कैटायन एनायन या फ्री रेडिकल. यस कैटायन एनायन, अभी तो सही बोला है ना. यस.
चलो भाई स्टेटमेंट प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट लिखो ड्यूरिंग हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन during heterolytic bond fission cations and anions are formed. नेक्स्ट पॉइंट लिखो मैं लिखवा देता हूं नहीं फिर से पूछेंगे सर यही पर ब्रैकेट में लिख लो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पे लिख लो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए सपोज तुमने ऐसा लिया और ये ब्रेक हुआ ऐसा अब देखो इसके पहले मैंने यही एग्जांपल जब लाइट के प्रेजेंस में लिया था तो फ्री रेडिकल बन रहा था है ना और अगर मैं यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट वगैरह ले लूं कोई भी व्हाट इज पोलर सॉल्वेंट whose dipole moment is not zero. जिसका dipole moment zero है, is non-polar. और जिसका dipole moment zero नहीं है, is polar, like water. तो because of dipole-dipole interaction bond जल्दी से break हो जाएगा, positive-negative, ऐसा करते हैं. सर वो dipole पे repeat करें. When dipole moment is zero, then it is non-polar solvent. When dipole moment is not zero, then it is polar solvent. लिखवाया हुआ है statement में chemical bond. हाँ sir. अब is carbon present in positive charge present on carbon. That's why this is called as क्या नाम दिया भाई बोलो कार्बोकैटायन और या फिर इसी का ही नाम तुमको बोलेगा कार्बोनियम पॉजिटिव चार्ज होता है तो मैं ईएम बोला करता हूं लाइक अमोनियम ब्रोमोनियम ऐसा तो कार्बोकैटायन योर और कार्बोनियम तो मैंने लिख लिया ऐसा फिर से टाइप्स ऑफ कार्बो कैटायन रिटायन अभी मैं स्टेबिलिटी नहीं बता रहा हूं स्टेबिलिटी मैं पूरा इफेक्ट्स पढ़ने के बाद बताऊंगा ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग को पढ़ने के लिए इतना टाइम लग रहा है और इसका एक चैप्टर बना दिया आप सोचो हम लोगों ने बाबा आईपीएसी कम से कम नहीं तो 10 से 15 घंटे पढ़े मिनिमम 15 आवर्स आइसोमेरिज्म हम लोगों ने कम से कम मिनिमम 10 आवर्स से ज्यादा पढ़ा लोग 4-5 घंटे में चैप्टर खत्म कर देते हैं हम लोगों ने 20 से ज्यादा घंटे मिनिमम 25 आवर्स पढ़ चुके हैं छोटे से चैप्टर को तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम मैं धीरे 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 करके करवा दूंगा भागने का कोई मीनिंग नहीं है ठीक है ना भागने का कोई मीनिंग नहीं पर अल्लाह मैं पढ़ा करके निकल जाऊं तो मैं समझ में आया कोई मीनिंग नहीं मैं जितना पढ़ूंगा बड़े अच्छे से पढ़ूंगा दैट्स इट ऐसा भी नहीं कि हम लोग का कोर्स भी बहुत पीछे है किसी से वैसा करके नॉर्मली वही चल रहा है
नॉर्मली वही चल रहा है, डोंट वरी। कोर्स हम लोग का एक साथ ही फिनिश होता है, लेकिन लोगों का एक्सप्रेस की तरह भाग करके हम लोग का आराम से मैं एक्स्ट्रा ले लेकर के करवाऊंगा, डोंट वरी। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, वैसे नॉर्मली हो जाना चाहिए। अगेन अभिदा, ये कौन सा कार्बो कैटायन है, कितने कार्बन से अटैच्ड? प्राइमरी सर। वेरी गुड, प्राइमरी। क्यों? एक ही कार्बन से अटैच। वेरी गुड। ये देखो, पहले मैंने ऊपर लिखा ना, ये देखो नीचे लिख दूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेकेंडरी या कुछ और बन गया, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। कहीं पर भी लिखो, यू हैव टू सी एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन विच आर डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन विच इज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। अब बोलो, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बो कैटायन, दिस इज 2 degree यानी सेकेंडरी। अब मैं जगह कम है इसलिए कार्बोनियम लिख दिया, मीनिंग इज सेम। दिस इज नॉट 2 degree, सॉरी, दिस इज अगेन 1 degree, दिस इज 2 degree कार्बो कैटायन और कार्बोनियम, दिस इज 3 degree कार्बोनियम और कार्बो कैटायन। टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सर वो पहले दो में डिफरेंस है नेमिंग का? कोई डिफरेंस नहीं है। फिर वो डिफर कैसे करेंगे भाई? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन, कितने कार्बन से अटैच है ये देखना है। मैंने बोला था मिथाइल में कोई कार्बन नहीं होता, इट्स अ स्पेशल केस। सेकेंडरी इसमें जो, हाँ बोलो सर, अगर दोनों 1 degree कार्बो कैटायन होंगे तो कैसे मतलब हम कर सकते हैं? तो उसमें कुछ देखना नहीं है ना। अरे हो सकता है 10th, ये ले, ये भी तो प्राइमरी है, बस मुझे जज करना है इट इज प्राइमरी और नॉट, बस। ओके समझा। दिस इज इथाइल कार्बो कैटायन, मिथाइल कार्बोनियम और कार्बो कैटायन, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम और कार्बो कैटायन, जगह कम है इसलिए ऐसा लिख दिया। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, उसके बाद नीचे लिखो, लिखो इन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, इन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, इन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, इन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोथ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, both shared paired electron, both shared paired electron both shared paired electron
both shared paired electron. Both shared paired electron. Both shared paired electrons are moving towards. Are moving towards. Are moving towards. Are moving towards more electronegative element. Moving towards more electronegative element. ठीक एनी प्रॉब्लम उसके बाद लिखो Heterolytic bond fission is represented by heterolytic bond fission is represented by heterolytic bond fission is represented by full curved arrow. Full curved arrow. ठीक जिसमें एरो का हेड पॉजिटिव एरो का हेड नेगेटिव रखता है एंड एरो का टेल नेगेटिव रखता है एरो का हेड नेगेटिव एरो का टेल पॉजिटिव वो अब मुझे थोड़ा याद रखना पड़ेगा चाहे तो लिख लो लिखो हेड ऑफ एरो इज बियरिंग नेगेटिव चार्ज हेड ऑफ एरो इज बियरिंग नेगेटिव चार्ज व्हाइल टेल इज बियरिंग while tail is bearing positive charge okay काही प्रॉब्लम आहे का इथपर्यंत काही प्रॉब्लम आहे का नाही समजणार कल मी नाही समजणार लिखो कोई बात नहीं ये लोग अपने मम्मी पापा का पैसा और सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना ही चाहते हैं लो स्क्रॉल कर दिया Yes, tertiary butyl, Snehal, tertiary butyl. Chalo. Types of attacking reagent. Types of attacking reagent. To pehla, likh lo. Electro. File. Second one. Nucleophile. Third one.
फ्री रेडिकल जो कि पहले ही पढ़ लिया है हमने, फ्री रेडिकल ऑलरेडी स्टडीड वन, फ्री रेडिकल्स ऑलरेडी स्टडीड वन है ना, कहां से जनरेट होता है और क्या होता है। एक वर्ड लिख लो पीछे भाई सभी लोग प्लीज, फ्री रेडिकल में जाओ, फ्री रेडिकल प्लीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, फ्री रेडिकल में जाओ, फ्री रेडिकल में जाओ, इन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्री रेडिकल्स में लिखो, फ्री रेडिकल्स आर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। फ्री रेडिकल्स आर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द कॉम्पिटिशन। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बोर्ड के टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं बस। सर पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? कौन पूछ रहा है ये? मैंने डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में लिखवाया हुआ है ड्यूरिंग द बॉन्ड ऑर्डर, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन इट इज डायमैग्नेटिक, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड देन इट इज पैरामैग्नेटिक, पूरा डेफिनेशन लिखवाया है सर। यस सर आपने वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट क्या बोला था? हे भगवान,